Hi friends, this is quick revision of few of your last chapters in FM, that is cost of capital, valuation of securities. Apart from that, beta factor and capital structure theory. So let's start with cost of capital. Cost of capital, we have done four types of capital: equity, preference debt and retained earnings. So sabse pehle cost of debt KD. Agar kabhi perpetual debt hota hai to KD ka formula kya ho jata hai? Interest into 1 minus tax upon net proceeds. Agar kabhi life diya hota hai but redemption happens in lump sum, तो फिर तुम्हारा KD का फॉर्मूला क्या होता है? इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस टैक्स प्लस RV माइनस NP अपॉन N अपॉन NP प्लस RV अपॉन 2। ऐसे केसेस के ना आप लोग IRR का टेक्निक भी यूज कर सकते हो। आंसर थोड़ा सा ज्यादा एक्यूरेट आएगा लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा, तो एग्जाम्स के ना अगर फॉर्मूला यूज कर लिया तो भी चल जाएगा। थर्ड, अगर कभी डेट इज टू बी रीपेड इन इंस्टॉलमेंट, दैट टाइम नो फॉर्मूला विल वर्क, IRR का टेक्निक यूज करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका KD था। उसके बाद KP, KP और KD बिल्कुल सेम है, एक्सेप्ट इंस्टेड ऑफ टेकिंग इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस टैक्स यू विल बी टेकिंग प्रेफरेंस डिविडेंड इंक्लूसिव ऑफ डिविडेंड टैक्स, अगर क्वेश्चन के अंदर डिविडेंड टैक्स आप लोगों को दिया हुआ है तो। ठीक है, उसका थर्ड चीज KE, हम लोगों ने KE के अंदर पांच थ्योरीज किया हुआ है, पांच थ्योरीज। फर्स्ट, एक्सपेक्टेड डिविडेंड अप्रोच, KE इज इक्वल टू D1 अपॉन NP या P0। उसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट फॉर्मूला, KE इज इक्वल टू E1 अपॉन NP या P0, दैट इज एक्सपेक्टेड अर्निंग्स अप्रोच। नेक्स्ट टू थ्योरीज क्या होता है, एक्सपेक्टेड के बदले में रियलाइज ले लो। ठीक है, सो रियलाइज डिविडेंड्स अप्रोच के अंदर KE इज इक्वल टू D0 अपॉन NP/P0। और तुम्हारी लास्ट अप्रोच के अंदर जो KE का है, सो KE इज इक्वल टू E0 अपॉन NP/P0, दैट इज कॉल्ड एज रियलाइज अर्निंग्स अप्रोच। लेकिन ये चार थ्योरीज के बाद हम लोगों ने एक चीज किया था जो हम लोगों ने पूरे के पूरे चैप्टर के लिए तो वो कैरी फॉरवर्ड किया, दैट वाज गॉर्डन्स फॉर्मूला। तो आपका गॉर्डन वाला फॉर्मूला ओरिजिनली किधर से आया था? ऑब्वियसली IRR से आया था। तो तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाता है? NP/P0। और राइट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा? D1 K1 D2 K2 D3 K3 चलता रहता है अप टू इनफिनिटी। ये सारे को सिंपलीफाई कर दो तो एंड के अंदर क्या बच जाएगा? NP/P0 इज इक्वल टू D1 अपॉन KE-G। यहीं से अगर KE निकालने के लिए जाओगे तो KE का फॉर्मूला फिर क्या हो जाएगा? KE इज इक्वल टू D1 अपॉन NP/P0 प्लस G। G is nothing but growth rate in dividends. It is assumed that G is constant. ठीक है? अगर कभी G question के लिए दिया हुआ है तो ठीक है, वरना you can compute that particular thing as B into R. B is nothing but retention ratio EPS minus DPS upon EPS minus EPS minus DPS upon EPS. R is nothing but EPS upon P0. ठीक है? उसके बाद हम लोगों ने एक और theory किया था KR का। KR, रिटेन अर्निंग्स इज द मनी ऑफ द शेयर होल्डर्स लाइंग विद द कंपनी। अगर ये पैसा हम लोग को वापस दे देते, वो लोग किधर जाके इन्वेस्ट करता, वहां से कितना कमाता, जितना वहां से कमाता यार उतना तो कमाकर वो देना पड़ेगा। सो देयरफॉर KR इज नथिंग बट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स। अगर कुछ नहीं दिया हुआ, बाय डिफॉल्ट हम लोग क्या सोच लेते हैं, ये वाला पैसा अगर उनको वापस दिया तो वो लोग कहां जाके इन्वेस्ट करता? हमारी कंपनी के शेयर्स के अंदर ही। देयरफॉर बाय डिफॉल्ट KR इज इक्वल टू KE। अपार्ट फ्रॉम दैट टू एक्सेप्शंस, फ्लोटेशन कॉस्ट जैसा फंडा डज नॉट अप्लाई टू रिटेन अर्निंग्स। और अगर तुम्हारे पास पर्सनल इनकम टैक्स रेट ऑफ शेयर होल्डर्स दिया हुआ है तो KR इज इक्वल टू KE इनटू 1 माइनस PT। ठीक है, यहां तक यू ऑल हैड डन। उसके बाद वेटेड एवरेज निकालो। वेटेड एवरेज निकालने के लिए तुम लोग क्या करते हो? टाइप, उसके बाद अमाउंट, उसके बाद वेट्स निकाल लेना आउट ऑफ 100, परसेंटेज कॉस्ट, कॉस्ट। KO इज डिफाइंड एज मिनिमम रिटर्न दैट यू वॉन्ट ऑन योर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फिर उसके बाद ऑल योर फॉर्मुलाज एंड एवरीथिंग हैड हैपेंड। फिर उसके बाद हम लोगों ने ये किया था दैट देर आर फोर टाइप्स ऑफ वेट्स दैट आर पॉसिबल। या यूज बुक वैल्यू वेट्स, मतलब बैलेंस शीट, और यूज मार्केट वैल्यू वेट्स बेस्ड अपॉन मार्केट प्राइसेस ऑफ द सिक्योरिटीज इन द स्टॉक एक्सचेंज। मोस्ट ऑफ द कंपनीज प्रेफर टू यूज मार्केट वैल्यू वेट्स, या फिर टारगेट वेट्स। अगर कंपनी का कोई फंडा है कि यार ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर इज बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर, देन यू डू दैट पर्टिकुलर थिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट, इन दैट केस लास्ट थिंग इज मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब कॉस्ट ऑफ एक्स्ट्रा कैपिटल। ठीक है, तो ये हो गया था आपका फोर टाइप्स ऑफ वेट्स। फिर उसके बाद हम लोगों ने एक और चीज किया था तुम्हारे फॉर्मूलाज के अंदर, एनपी और P0 कब लेने का। तो अगर न्यू इश्यू है तो नेट प्रोसीड्स लो, पुराना इश्यू है तो मार्केट वैल्यू लो। अपार्ट फ्रॉम दैट, दो टाइप ऑफ KD होता है, KP होता है, दो टाइप ऑफ इक्विटी नहीं होता, तो इक्विटी तो भाई एक ही टाइप का होगा। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने हमारे क्वेश्चन वगैरह सॉल्व किए थे। याद रखना, जब आप मार्केट वैल्यू वेट से क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी मिलेगा, जिसके अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल भी होगा, रिटेन अर्निंग्स भी होगा। ऐसे केसेस के ना मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी विल गेट डिवाइडेड अमंग इक्विटी शेयर कैपिटल एज वेल एज रिटेन अर्निंग्स इन द रेशियो ऑफ देयर बुक वैल्यूज। हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, बस उसके बाद ऑल योर स्टैंडर्ड क्वेश्चंस वर ओनली देयर दैट वी ऑल हैव सॉल्वड एज सच। ओके,
ये था तुम्हारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल का एक छोटा सा रिवीजन। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर था दैट वाज वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज, उसके जो फर्स्ट 3-4 क्वेश्चन थे दोस वर ऑल अबाउट वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, जहां पे हम लोग गॉर्डन का फॉर्मूला बोल के आए थे। P0 रिप्रेजेंट्स वैल्यू ऑफ द शेयर ओनली। अगर आपका जो वैल्यू ऑफ द शेयर है दैट इज मच मोर देन प्राइस एट व्हिच इट इज अपीयरिंग इन स्टॉक एक्सचेंज, देन शेयर इज अ गुड बाय, यू शुड बाय इट। ओके, लेकिन अगर वैल्यू प्राइस से कम आता है जो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर है, देन यू शुड नॉट बी बाइंग इट। ठीक है, वहां पे तुम लोगों ने बुक के अंदर एक मास्टर लाइन को लिखा था, वैल्यू ऑफ एनी सिक्योरिटी और शेयर्स और एसेट इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर इनफ्लोस। ठीक है, उसका बीटा फैक्टर हम लोगों ने जो भी किया था उसका एंड के अंदर एक ही लाइन है। बीटा फैक्टर का थ्योरी आल्सो हेल्प्स यू टू गेट केई। तो केई का फॉर्मूला बीटा फैक्टर के हिसाब से क्या आता है, केई इज इक्वल टू आईआरएफ प्लस बीटा फैक्टर इनटू आरएम माइनस आईआरएफ, और आरएम माइनस आईआरएफ को तुम लोग मार्केट प्रीमियम भी बोल सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने कैपिटल स्ट्रक्चर थियरीज करना स्टार्ट किया था, फर्स्ट थियरी। लेकिन उन थियरी से पहले तुम लोगों ने अजम्पशंस किए थे। अजम्पशंस क्या किए थे, इक्विटी शेयर्स आर रिडीमेबल, उसके बाद रिटेन अर्निंग्स करके कुछ नहीं होता, डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 100% एंड इनकम टैक्स इज नॉट देयर। ओके, ये चार अजम्पशंस के बाद फर्स्ट थियरी एनआई थियरी। एनआई थियरी क्या बोलता है, डेट इज चीपर देन इक्विटी, डेट डालते रहो डालते रहो उदालते रहो, जितना ज्यादा 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 डेट होगा उतना तुम्हारा केओ कम हो जाएगा। वो वाला कैपिटल स्ट्रक्चर सबसे अच्छा है जिधर तुम्हारा केओ सबसे कम होगा, और केओ ऑटोमेटिकली उधर सबसे कम होगा जिधर तुम्हारा डेट ज्यादा है। ठीक है, सेकेंड थियरी एनओआई थियरी, नेट ऑपरेटिंग इनकम थियरी। यहाँ पे ये वाले ऑथर्स क्या बोलते थे, अगर आप डेट ज्यादा डालते हो केओ कम तो होना चाहिए, लेकिन ऐसा कम नहीं होगा। क्यों कम नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही डेट बढ़ता है रिस्क इंक्रीजेस। अगर रिस्क बढ़ेगा तो इक्विटी शेयर होल्डर्स विल आस्क मोर डिविडेंड और विल सेल आउट द शेयर्स, बोथ ऑफ देम विल लीड टू इंक्रीज इन केई। तो जितना बेनिफिट कंपनी को मिलेगा ड्यू टू चीपर डेट, एग्जैक्टली उतना ही डिसएडवांटेज मिलेगा बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन केई। चीजें ऐसे बैलेंस ऑफ हो जाएंगी कि तुम्हारा केओ सेम ही रहेगा। तो इस थ्योरी के हिसाब से केओ ऑलवेज रिमेंस कांस्टेंट, आल्सो कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ केओ, जिसको मोडी ग्लानी और मिलर ने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी बोला था, या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। थर्ड थ्योरी आपका ट्रेडिशनल थ्योरी। ट्रेडिशनल थ्योरी ये लोग क्या बोलते हैं, हमको नहीं मालूम है कि कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर सबसे अच्छा है, आप लोग कंप्यूट करके देख लो, जिधर भी केओ सबसे कम होगा दैट इज बेटर। ठीक है, तीनों थियरीज अलग अलग है लेकिन एक ही पॉइंट पे तीनों थियरी सेम केओ देगा, एंड दैट इज वेयरएवर डेट इज जीरो, क्योंकि अगर डेट है ही नहीं तो थियरी इज नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, फिर हम लोगों ने आर्बिट्रेशन वाला प्रोसेस स्टार्ट किया था, लीवर्ड कंपनी थी अनलीवर्ड कंपनी थी, शुरू में केओ अलग था, उसके बाद फिर आर्बिट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और जब तक खत्म होगा तब तक केओ सेम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे केसेस के अंदर जो हम लोगों ने किया था कुछ ऐसा, पहले ये देख लो कोई एक शेयर होल्डर था वो लीवर्ड कंपनी के अंदर था, वहां से कितना कमाता था, उसका कितना स्टेक था, दूसरी कंपनी में जाएगा यहाँ पे अपना स्टेक बेचेगा, वहां पर जो स्टेक है तो वो खरीद लेगा। इन दैट पर्टिकुलर केस शायद उसको कुछ लोन लेने की जरूरत पड़े, यहाँ का इनकम और वहां का इनकम सेम आ जाएगा एंड के अंदर, लेकिन ही विल बी लेफ्ट विद सरप्लस फंड्स वंस ही शिफ्ट्स। ओके, तो ऐसा एक बार प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, पीपल विल स्टार्ट टू शिफ्ट फ्रॉम लीवर्ड कंपनी टू अनलीवर्ड कंपनी, ऑटोमेटिकली धीरे 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 केओ सेम हो जाएगा। ओके, लास्ट थियरी दैट यू ऑल हैड डन एनओआई थियरी बट विद टैक्स अप्रोच। ओके, मतलब इनकम टैक्स है, हम लोगों ने एक डेरिवेशन किया था जहां पे एंड के अंदर क्या हो जाता है कि वीएल मतलब वैल्यू ऑफ लीवर्ड कंपनी इज इक्वल टू वीयूएल मतलब वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड कंपनी प्लस डेट इनटू टैक्स रेट, हम लोगों ने इस चीज का डेरिवेशन किया हुआ, याद रखना। इससे पहले एनओआई थियरी के अंदर वीएल एंड वीयूएल वॉज सेम, ओके, लेकिन अगर टैक्स आ जाता है वीएल एंड वीयूएल विल नॉट बी सेम, सो वीएल विल बी इक्वल टू वीयूएल प्लस डेट इनटू टैक्स। ठीक है, दिस वाज योर सुपर क्विक रिवीजन ऑफ व्हाटएवर यू ऑल हैड डन इन योर लास्ट 3 or 4 टॉपिक्स। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दीस पर्टिकुलर थिंग्स एंड हैड अ गुड रीकैप ऑफ व्हाटएवर यू ऑल हैव डन इन क्लास। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू।